लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। खराब मौसम है, 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अमरनाथ यात्रा स्थगित, बारिश अलर्ट। पूरे देश में मानसून ने 16 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। अमूमन मानसून पूरे देश में 15 जुलाई तक आता है, लेकिन इस साल ये शुक्रवार को ही पहुंच गया। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। वहीं अगले 2 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिन से कश्मीर घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बालाटाल मार्ग पर जगह जगह होने वाले भूस्खलन से शुक्रवार को इस मार्ग से अमरनाथ यात्रा निलंबित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बारिश से यातायात अवरुद्ध रहा। इसके बावजूद 2876 तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था यहां से बाबा बर्फानी के दर्शन को कश्मीर घाटी के आधार शिविरों की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB के एक अधिकारी ने कहा कि कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से काली माता ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से बालाटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। हालांकि पहलगाम मार्ग से यात्रा चल रही है। इस बीच जम्मू में सुबह करीब 6:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्री 90 वाहनों के काफिले में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। अधिकारियों के मुताबिक बनिहाल उधमपुर सेक्टर में भारी बारिश से पंथाल, नेतगार्ड, डिगर, डोल और समरोली में सुबह भूस्खलन की घटनाएं हुई। पत्थर गिरने से 260 किलोमीटर लंबा राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। हालांकि संबंधित एजेंसियों ने जवानों और मशीनों को लगाकर सुबह करीब 9:15 बजे यथासंभव कम से कम समय में रास्ते साफ कराए, इससे फंसे हुए वाहन अपने गंतव्यों की ओर बढ़ सके। राजमार्ग अवरुद्ध होने से जगह जगह जाम लग गया और वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए प्रयास जारी है। शनिवार तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय और दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा, केरल, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, तेलंगाना में शनिवार तक भारी बारिश का अलर्ट है। तीसरे जत्थे में साधु और बच्चे नहीं, तीसरे जत्थे में कोई साधु और बच्चे नहीं है। इनमें से 315 महिलाओं समेत 2032 तीर्थयात्रियों ने परंपरागत 36 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग चुना। वहीं 229 महिलाओं समेत 844 लोगों ने 12 किलोमीटर लंबे बालाटाल मार्ग को चुना। CRPF ने हेल्प डेस्क मददगार बनाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यहां रेलवे स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाई है। CRPF के जनसंपर्क अधिकारी आशीष कुमार झा ने बताया कि मददगार नाम की इस डेस्क को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म संख्या 1 पर बनाया गया है, जो देश के विभिन्न भागों से आने वाले तीर्थयात्रियों को मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि यह हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगी और बल के 2 जवान तीर्थयात्रियों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। ड्यूटी पर तैनात BSF अधिकारी की मौत। पारंपरिक पहलगाम मार्ग पर अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के एक अधिकारी की सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरुवार देर रात मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि BSF की 182वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक हरदयाल सिंह पहलगाम में बेताब घाटी में यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे। रात 11 बजे उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कश्मीर घाटी में गुरुवार रात से लगातार बारिश होने और कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया, जबकि श्रीनगर लेह और मुगल रोड पर यातायात जारी है। यातायात पुलिस के अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण रामबन इलाके में भूस्खलन होने से कश्मीर घाटी को शेष देश से जोड़ने वाले 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन BRO
मशीनों और मानव बल के जरिए भूस्खलन का मलबा हटाने के काम में पहले से युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। भारी बारिश के बीच 12वीं तक स्कूल बंद। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को श्रीनगर सहित विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश हुई और अधिकारियों ने जल धाराओं के करीब रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। डोडा जिले में भारी बारिश के कारण 12वीं तक सरकारी व निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर के कई हिस्सों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में सबसे अधिक बारिश हुई, जहां सुबह 8:30 बजे तक 63.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में सुबह 8:30 बजे तक 12.6 मिमी बारिश हुई। उन्होंने बताया कि उसके बाद बारिश की तीव्रता बढ़ गई।